मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। वैसे तो आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी जबलपुर पधार रहे हैं और लगभग 13,000 करोड़ की सौगातें आज मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को इस मध्य प्रदेश के अंदर जो पूरा किया है उसमें कैन बेतवा लिंक परियोजना, कैन बेतवा लिंक परियोजना जिसका सपना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और देश के अंदर नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत उस समय हुई थी अटल जी के समय में, तब पहला प्रोजेक्ट कैन बेतवा लिंक परियोजना इस नाते से देश के अंदर इसके शुरुआत करने का संकल्प था। आज मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैन बेतवा लिंक परियोजना में बजट के अंदर 44,605 करोड़ का प्रावधान किया और इसकी सारी तकनीकी अनुमतियों के साथ अभी 2 दिन पूर्व ही हमारे वन पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री जी के जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड की धरती का है उसको सारी अनुमतियां देकर आज फाइनल स्टेज में कैन बेतवा लिंक परियोजना की अनुमति जो हुई है इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड की जनता की ओर से, मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो की जनता की ओर से भी मैं बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करता हूं कि अब वो बुंदेलखंड जिस बुंदेलखंड को कहा जाता था ये सूखा बुंदेलखंड है, लेकिन इस कैन बेतवा लिंक परियोजना के कारण से सारे बुंदेलखंड की धरती का दृश्य और परदृश्य बदल जाएगा, दशा और दिशा बदलेगी। अब वो सूखा नहीं हरा भरा बुंदेलखंड होगा और वो बुंदेलखंड जिसे लोग गरीबी के लिए राजनीति करने का काम करते थे अब वो बुंदेलखंड इस मध्य प्रदेश के अंदर एक समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। कैन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से छतरपुर पन्ना टीकमगढ़ के 6,017 हेक्टेयर पर भूमि हस्तांतरित किए जाने की जो अंतिम स्वीकृति थी जो अभी 2 दिन पूर्व हुई है और इसके आधार पर अब जो बुंदेलखंड का किसान केवल बरसात के पानी पर जो आश्रित होता था अब नॉन मानसून सीजन में भी सिंचाई के लिए जो आवश्यकता होगी वो इससे पूरी होने का काम होगा। आज मुझे आपको बताने में इस बात के लिए गर्व है कि कैन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से 10,62,000 हेक्टेयर सिंचाई जमीन की होगी, किसानों की सिंचाई 10,62,000 हेक्टेयर, तो वहीं 62 लाख लोगों को पीने का पानी की सुविधा भी बुंदेलखंड के अंदर मिलेगी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन में हर घर को नल हर घर को जल के सपने को पूरा करने का काम भी कैन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से पूरा होगा। इस परियोजना से 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट भी बनेगा, इसलिए बिजली की भी उपलब्धता और इसके बारे में जिनकी स्थापित क्षमता 72 मेगावाट होगी तो बिजली भी उपलब्ध होगी। आज सड़क बिजली और पानी बुंदेलखंड की जनता की जरूरतों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो किया है आज मैं कह सकता हूं कि ये बुंदेलखंड आगामी आने वाले समय में टूरिज्म से लेकर कृषि के क्षेत्र में भी एक नए आयाम खड़े करने का काम करेगा। हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी जब कांग्रेस की 2003 की सरकार थी, अब ये बढ़कर के 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई तो हो ही रही है, अब ये 10 लाख से ऊपर हेक्टेयर की सिंचाई और मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ेगी। ये इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद, काय के केन बेतवा प्रोजेक्ट अब शुरू होवे वालों है। हालांकि ई के शुभारंभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छतरपुर को कार्यक्रम है तो आज, लेकिन जो कार्यक्रम नहीं हो पाओ, लेकिन बी डी शर्मा बोले हैं कि प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड वासियन को जा बड़ी सौगात दी है। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लश ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल्स, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।